Hi everybody, I am Nirmal Chaudhary, Director of Destination Target English, and today I am going to explain you two words, principal and principal. आप यहाँ देख सकते हैं दोनों का आवाज एक जैसा आ रहा है लेकिन स्पेलिंग दोनों का अलग अलग है. यहाँ पर ए एल दिया हुआ है और यहाँ पर एल ई दिया हुआ है. इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका आवाज एक जैसा आता है लेकिन उनका स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग होता है. ऐसे इंग्लिश में हम होमोफोन्स कहते हैं. इनका यूज़ आपको कैसे करना होता हैगा ये मैं आपको बता रहा हूँ. इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ. सो लेट्स वी विल टेक सम एग्जांपल्स. फर्स्ट यहाँ पर दिया है मैंने प्रिंसिपल, जो प्रधानाचार्य होते हैं, प्रधानाध्यापक. माय स्कूल प्रिंसिपल इज़ मिस्टर शर्मा. मेरे जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो मिस्टर शर्मा हैं. जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं उनके लिए आपको याद रखना है ए एल का स्पेलिंग यूज़ करना है. एक एग्जांपल और यहाँ पर मैंने दिया है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर स्कूल प्रिंसिपल. अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखें. प्रिंसिपल के दो मीनिंग होते हैं, एक नाउन भी होता है और एक एडजेक्टिव भी होता है. यहाँ पर इसका हमने नाउन के रूप में यूज़ किया हैगा. जो एडजेक्टिव होता है उसका मतलब होता है मेन या प्रमुख, इम्पॉर्टेंट. लेट्स वी विल टेक द अनदर एग्जाम्पल. यहाँ पर एल ई जो स्पेलिंग मैंने दिया है इसका मीनिंग होता है सिद्धांत या नियम. आई हैव सम प्रिंसिपल्स इन माई लाइफ. मेरे जीवन में कुछ सिद्धांत हैं. ही विल नॉट वायलेट हिज प्रिंसिपल्स. वह अपने सिद्धांत नहीं तोड़ेगा. यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ये मीनिंग दिया है. एक प्रिंसिपल और जो ये होता है इसका मीनिंग होता है मूलधन, जो मैथ्स में यूज होता है आपने देखा होगा, तो उसे भी आप ज़रूर याद रखें. दोनों को मिलाकर मैंने एक सेंटेंस यहाँ पर बनाया है. आप देख सकते हैं द प्रिंसिपल हैज़ हिज प्रिंसिपल्स. प्रधानाचार्य के अपने खुद के कुछ सिद्धांत हैं. यहाँ पर जो फर्स्ट प्रिंसिपल है ये प्रधानाचार्य वाला है और दूसरा जो है वो सिद्धांत के लिए यूज़ किया है. दोनों को ही मिलाकर मैंने एक सेंटेंस बनाया है. मैं उम्मीद करता हूँ यह आपका डाउट क्लियर किया होगा. यदि आप इस तरह के और एग्जाम्पल्स देखना चाहते हैं तो आप मेरी बुक ले सकते हैं, डेस्टिनेशन टारगेट इंग्लिश. ये अमेज़न पर अवेलेबल है या आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं या फिर आप स्टडी सेंटर से ले सकते हैं. इस चैप्टर को मैंने पेज नंबर 21 पर एक्सप्लेन किया है. चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मैंने किस तरह से इस चैप्टर को यहाँ पर रखा है. हियर यू कैन सी दैट सम सेम साउंड डिफरेंट मीनिंग. आई हैव गिवन मैनी एग्जाम्पल्स हियर. यहाँ पर मैंने काफ़ी एग्जाम्पल्स दिए हैं, काफ़ी वर्ड्स दिए हैं. साथ ही मैं इन शब्दों का मैंने यहाँ पर हिंदी भी दिया है. फिर मैंने इन शब्दों से एक एक सेंटेंस भी बनाकर समझाया है और उनका भी मैंने हिंदी दिया है. तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी इस चैप्टर को समझने में. बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ऐसे शब्द जिसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है उनके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सही इंग्लिश बोल पाएंगे और लिख पाएंगे. आप यहाँ देख सकते हैं मैंने इन्हें अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया है, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी इन्हें याद करने में. और मैंने साथ में हिंदी दिया है तो आपको इन मीनिंग्स समझने में परेशानी नहीं होगी और इनसे सेंटेंस बनाने में भी आपको परेशानी नहीं होगी. मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. पढ़े पढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.